الرحمن علم القرآن. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो आज है ईद का दिन और कल आया था मैं यहाँ पे डिंगी चिड़ वाहिद भाई का घर है यहाँ पे, तो इन्हीं के घर में ईद बनाने हम आए हुए थे। सो आज मैं ज़ियारत के पास हूँ, तो देख सकते हैं मेरे पीछे ज़ियारत है। तो धुंध पड़ी हुई है बिल्कुल, और आज जुलाई का महीना है पता है आपको, और जुलाई के महीने में धुंध है, मज़े नज़ारे, और इतना व्यू ज़बरदस्त है यहाँ का। ये देख सकते हैं पूरा ये बादल, ये जो दिख रहे हैं ना आपको वाइट वाइट, ये बादल है। तो मैं पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा, तो और भी रास्ते में भी मैंने बहुत सारी क्लिप्स शूट की हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहे, एंजॉय करें वीडियो को। अब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंध को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। व्हाई डू यू वॉन्ट पब्लिक रिकग्निशन, व्हाट मैटर्स इज यू, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, नॉट मी। मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें, खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इंसानों के पत्थर बन चुके हैं, बहुत पहले इंसानों के पत्थर बन चुके इस पहाड़ में। तो ये यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। तो यहाँ पे ये ज़ियारत शरीफ है, तो साथ में यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। तो यहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ एक दो बार। व्यू देखो यहाँ का, ओहो ये देखो, ये है ज़ियारत शरीफ। सो गाइज, मेरे फ़ोन में 1% बैटरी बची है, तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो पॉइंट, तो मिलते हैं आपसे बाद में। खुदा हाफिज़। طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصعاب.